इस वर्षों का विश्वास 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट NSIT अ प्लेस टू इमेजिन इन्वेंट एंड इंस्पायर NSIT अम्हारा बेहटा पटना। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब बिहार में विकास संबंधी कार्यों के लिए सुगुगाहट तेज हो गई है। केंद्र एवं बिहार सरकार ने चुनावों के दौरान जो घोषणाएं की थी उसे पूरा करने को लेकर अब तत्पर है। जी हां, लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही पटना मेट्रो रेल को लेकर काम में तेजी आने वाला है। अब पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए जल्द ही जमीन का अधिग्रहण शुरू होगा। चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही इसके काम में तेजी आ गई है। अधिग्रहण के दौरान आने वाली अड़चनों से निपटने की जिम्मेवारी जिला भू अर्जन पदाधिकारी को सौंपी गई है। सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बैठक में भूमि अधिग्रहण की मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी अपर समाहर्ता को दी गई है। बैठक में पटना मेट्रो परियोजना का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। इसमें मेट्रो के अलाइनमेंट की जानकारी दी गई। पहले चरण में मेट्रो रेल के लिए प्रस्तावित डिपो के लिए जमीन का अधिग्रहण होगा। मेट्रो रेल के लिए अंतर्राज्यीय बस अड्डा और एतवारपुर में 2 डिपो बनाए जाने हैं। इसके लिए 26 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त RN चोंगथू, नगर विकास विभाग के विशेष सचिव संजय दयाल, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के दोनों महाप्रबंधक विनयशील कश्यप और मनोज कुमार के अलावा नगर निगम के प्रतिनिधि, दानापुर के कार्यपालक पदाधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा मसला जमीन अधिग्रहण को लेकर ही है, क्योंकि हमेशा से इस तरह के देश में किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने को लेकर समस्या आती है तो जमीन अधिग्रहण की ही आती है। खैर, अब चाहे जो भी बात हो, बिहारवासियों को जल्द से जल्द अन्य राज्यों की तरह मेट्रो का इंतजार है, ताकि वे नियत समय पर अपने दूरी को तय कर सकें, अपने कार्यकलाप को सही समय से कर सकें, क्योंकि राजधानी वासियों के लिए एहतियात एक बहुत बड़ी समस्या रही है। सिटी पोस्ट लाइव के लिए मैं JP चंद्रा। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडिस्ट को बुला सकते हैं, BP जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ECG करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉट केयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.sortcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।